Welcome again students in my channel Gag Mansa Tutorials. As we know, we have already completed our basic calculator in our previous videos, and in this video we are going to extend it a little bit. So let's start. Previously हमने ये कैलकुलेटर बनाया था, तो अब हम इसमें कुछ बटन्स ऐड करने जा रहे हैं, जैसे कि डेसिमल वैल्यूज के लिए और क्लियर बटन और स्क्वायर रूट एक्सेट्रा. तो सबसे पहले जो हमें चेंजेस करने हैं, देखिए स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर जो वेरिएबल्स लिए थे वो मैंने नंबर वन और नंबर टू के लिए इंट टाइप लिया था और रिजल्ट के लिए फ्लोट लिया था, क्योंकि तब हमें डेसिमल वैल्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं थी. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबको डबल टाइप का लेते हैं, क्योंकि अगर डेसिमल वैल्यूज है तो इंट में काम नहीं करेंगी. तो मैं सारे डेटा टाइप को यहां डबल कर रही हूं, तो इनको हमने डबल वैल्यू में ले लिया है. अब इनको अगर हमने डबल लिया है तो जो नीचे भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. यहां पर देखिए, जब हमने ये प्लस माइनस ये सब बटन्स बनाए थे, ये देखिए, तो हमने यहां इसको टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करा था, लेकिन अब मुझे क्योंकि नम वन डबल टाइप का है तो मुझे यहां डबल में कन्वर्ट करना है. तो बस आप डबल डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन यूज करिए और सब जगह हम यही कर देते हैं, क्योंकि इंटीजर वैल्यू अब नहीं है हमारी, डबल टाइप की वैल्यू है. और ये लास्ट हमारा डिवाइड यहां पर भी चेंज कर देते हैं, और ये देखिए इक्वल का यहां पर भी चेंज कर देते हैं, जब हमने नंबर टू की वैल्यू निकाली थी. और यहां पर उसके बाद जब हम ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे, हम एक्शन परफॉर्म करने के बाद इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे थे क्योंकि ये फ्लोट टाइप का था, बट हमने डबल बना दिया है तो यहाँ पर डबल टाइप का लेंगे. तो सब जगह मैंने डबल कर दिया है और कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अब हमारे डेसिमल में जो आंसर्स आ सकते हैं उसके लिए. तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. अब हम तो सबसे पहले हम डॉट का बटन लेते हैं डेसिमल वैल्यूज के लिए. यहाँ पर मैंने वो बटन लिया है, इसका एडिट टेक्स्ट मैंने डॉट कर दिया है, और आप इसका जो नेम है वेरिएबल नेम चेंज कर, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, रिलेवेंट नेम रखिए. बट क्योंकि अब मुझे वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाना है, तो मैं फटाफट इसको ऐसे ही कर रही हूँ. तो डबल क्लिक करते हैं, इसका इवेंट क्रिएट हो जाएगा. ये देखिए यहाँ पर इसका इवेंट क्रिएट हो गया है. अब यहाँ पर ये जो डेसिमल का जो बटन होता है, यहाँ पर देखिए जैसे कैलकुलेटर है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ भी जैसे जीरो से लेकर नाइन तक हम बटन प्रेस करते हैं, सेम वैसे ही ये डॉट का बटन काम करता है. जैसे ही मैंने डॉट प्रेस करा तो ये अपेंड हो गया है, जैसे बाकी नंबर्स अपेंड हो रहे हैं सेम वैसे ही. तो इसका और कोई काम नहीं है कैलकुलेटर में, ये कोई और एक्शन परफॉर्म नहीं करता है, ये सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ अपेंड हो रहा है. तो सेम मुझे वही कोडिंग करनी है जो जीरो से लेकर नाइन तक बटन्स की मैंने की थी, टेक्स्ट बॉक्स में अपेंड करने का काम. ये देखिए बटन फाइव के लिए, तो कोई भी एक कोडिंग यहां से आप कॉपी कर सकते हैं, और इसको हम ये अपने डॉट वाला जो बटन है यहां पर पेस्ट कर देते हैं. देखिए दोबारा हम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ले रहे हैं, और ये जो हमारा जे बटन वन है, जो भी इसका नाम है, तो इसकी वैल्यू यानी कि डॉट उठा रहे हैं और अपेंड करके टेक्स्ट बॉक्स में लगा रहे हैं. तो और कुछ भी नहीं है, सारी इसकी कोडिंग सेम है. और जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि आप वेरिएबल नेम को चेंज करिए, वो इसीलिए करिए क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर इसका नाम btn डॉट होता तो हम यहाँ फटाफट btn डॉट लिख लेते, लेकिन अब मुझे यहाँ से चेक करना पड़ा कि बटन का नाम क्या है. तो इसीलिए मैंने सजेस्ट करा था कि आपको रिलेवेंट नेम रखने चाहिए. तो चलिए खैर इसको रन करते हैं. ये देखिए हमारा कैलकुलेटर, मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पर लिखे 15, और जैसे ही डॉट पे क्लिक करा ये देखिए यहाँ पर डॉट आ गया है. आई होप वीडियो में आपको ये क्लियर नजर आ रहा होगा. और 6 प्रेस करा तो ये 15.6 हो गया है डेसिमल वैल्यूज. तो माइनस करते हैं 5.3, 15.6 में से 5.3 को माइनस करते हैं तो ये 10.3 इसका आंसर आ गया है, यानी कि हमारा ये एक बटन का काम पूरा हो चुका है, ये क्लियरली वर्क कर रहा है. तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम एक क्लियर का बटन लेते हैं. तो सपोज यूजर ने कुछ गलत वैल्यू इंसर्ट कर दी है यहाँ पर, तो पूरा टेक्स्ट बॉक्स ही क्लियर हो जाए. तो उसके लिए मैंने एक और यहाँ पर बटन ले लिया है, और इसका टेक्स्ट मैंने कर दिया है क्लियर. क्लियर में हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू है उसकी जगह ब्लैंक सेट कर देना है. तो इसकी कोडिंग देखिए बहुत ही सिंपल है. देखिए txt val जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है डॉट, इसका
जो टेक्स्ट है क्या सेट कर दो, ब्लैंक, बस इतनी सी इसकी कोडिंग है, ब्लैंक कर दिया। तो जैसे ही क्लियर बटन पे यूजर कोई क्लिक करेगा तो टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ भी हम प्रेस कर रहे हैं, क्लिक करा, क्लियर, ब्लैंक। तो ये वाला टास्क भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चलिए लेते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं जो बैकस्पेस बटन होता है, जैसे यहाँ कैलकुलेटर में देखिए, जो सिर्फ लास्ट का एक डिजिट ही रिमूव करता है। देखिए यहाँ पर 74 लिखा, 47 लिखा, और ये बैकस्पेस, तो लास्ट वाला बटन, लास्ट वाला डिजिट रिमूव करेगा। ऐसी डेसिमल वैल्यूज के लिए देख लीजिए, पहले इसने 6 रिमूव करा, अब डॉट रिमूव करा, तो ये लास्ट का जो भी डिजिट होगा टेक्स्ट बॉक्स में वो रिमूव करेगा। तो चलिए बटन बनाते हैं, और इसका नाम मैंने रखा बैक। या कुछ भी यहाँ पर आप ये डाल सकते हैं, सिंबल्स वगैरह, क्लिक करते हैं, ये इसका फंक्शन आ गया है। अब देखिए बैकस्पेस कैसे करना है, टेक्स्ट बॉक्स का जो भी उसमें लिखा हुआ है, जो भी वैल्यू है, उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आपको वो पता होने चाहिए। सपोज यूजर ने लिखा 15.4, तो उसमें कितने हैं, 15.4, 4 डिजिट है उस, तो उस टेक्स्ट का जो इंडेक्स है, देखिए यहाँ पर 15.4, तो इसका जो इंडेक्स है 0 से स्टार्ट होगा, 0 पे 1 होगा, 1 पे 5 होगा, 2 पे डॉट होगा, और 3 वाले इंडेक्स पे 4 होगा। तो मुझे लास्ट इंडेक्स का जो करेक्टर है वो रिमूव करना है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, उसमें हम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेट कर लेते हैं, रिट्रीव कर लेते हैं, गेट टेक्स्ट। अब सपोज 15.4 लिखा है यूजर ने, तो यहाँ पर एस में क्या वैल्यू आ गई, 15.4। अब मुझे क्या करना है, ये लास्ट वाला जो भी डिजिट है या डॉट है वो रिमूव करना है। तो उसके लिए हमारे पास लास्ट से कुछ रिमूव करने के लिए तो कोई रेडीमेड फंक्शन नहीं है, लेकिन हम सबस्ट्रिंग निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो भी ये स्ट्रिंग है वो 0 से लेकर, 0 इंडेक्स से लेकर स्टार्ट करेंगे, और लास्ट वाले इंडेक्स को छोड़कर उससे पहले तक स्ट्रिंग उठा लेंगे। दोबारा देखिए, ये हमारे पास एक पूरी स्ट्रिंग है 15.4, और इसको भी मैं कमेंट से बाहर लिखती हूँ ताकि आपको ये ब्लैक कलर में नजर आए। देखिए 15.4 है ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो मुझे लास्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको छोड़कर बाकी सारा ये पूरा ये जो स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग, इसको उठाना है, तो और ऑटोमेटिकली लास्ट वाला इंडेक्स रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग क्लास में जो सबस्ट्रिंग फंक्शन है वो यूज करेंगे। इसको दोबारा कमेंट में डाल दिया, तो देखिए str डॉट सबस्ट्रिंग फंक्शन, सॉरी s नाम है इसका वेरिएबल का, मैंने str ले लिया था, तो s डॉट सबस्ट्रिंग फंक्शन। अब ये जो सबस्ट्रिंग फंक्शन है, ये नीचे वाला देखिए, इसमें दो इनपुट ले रहा है, पहला कहाँ से आपको स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है, सबस्ट्रिंग स्टार्ट करनी है, और कहाँ तक इंडेक्स बताना है आपको। तो मुझे 0 इंडेक्स से, यानी कि स्टार्टिंग से लेना है, तो यहां पर मैंने 0 लिखा, और कहाँ तक जाना है, लास्ट इंडेक्स से 1 कम तक, क्लियर। तो मैंने यहां पर पहले लिखा 0 इंडेक्स से मुझे स्टार्ट करना है, और यहां पर मुझे लिखना है लास्ट इंडेक्स से 1 कम तक। अब लास्ट इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, कितनी भी लंबी वैल्यू हो सकती है, तो लास्ट इंडेक्स मैंने कैसे निकाला, s डॉट लेंथ, लेंथ से आपको लास्ट इंडेक्स पता चल जाएगा कि कितनी लेंथ है, और -1। तो ये हमारे पास सबस्ट्रिंग आ गई, और इसको दोबारा s में ही डाल देते हैं, यानी कि s में अब दोबारा क्या आ गया, 0 से लेकर लास्ट इंडेक्स से 1 कम तक, यानी कि लास्ट जो भी डिजिट होगा वो रिमूव हो जाएगा, और इसको हम टेक्स्ट बॉक्स में ही दोबारा सेट कर देते हैं, सेट टेक्स्ट s। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए इसको रन करते हैं, रन करते हैं इसको। ये देखिए कुछ वैल्यूज एंटर कर लेते हैं, 35.24, और जैसे ही मैंने बैक पे क्लिक करा, लास्ट वाला जो 4 था वो रिमूव हो गया है।
ऐसे ही एक बार और क्लिक करते हैं, टू रिमूव हो गया, फिर से क्लिक करा, डॉट रिमूव हो गया। दोबारा देखिए, ये कुछ और वैल्यूज मैंने डाल दी, डॉट 6 बैक, एक वैल्यू एक डिजिट रिमूव हो गया है। तो ये भी हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट देखिए, अब हम स्क्वेयर रूट और पावर 2 का जो बटन होता है कैलकुलेटर में, वो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। ये वाला बटन, एक्स की पावर 2 और स्क्वेयर रूट, ये दो बटन्स हम और बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक और बटन ले लिया, इसको यहाँ नीचे ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने बनाया स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट फंक्शन बनाते हैं, डबल क्लिक करा, ये फंक्शन आ गया है। तो जो हमारा नंबर 1 है, नम 1 वेरिएबल जो हमने लिया था, उसमें हम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ले लेते हैं, डबल डॉट वैल्यू ऑफ, टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू है उसको गेट कर लेते हैं, गेट टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास नम 1 में जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है वो आ जाएगा, क्लियर, जैसा कि हमने पहले निकाला था। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर स्क्वेयर रूट निकालना है। तो वी हैव अ प्री डिफाइंड क्लास, मैथ क्लास। मैथ क्लास के अंदर आपके पास इनबिल्ट कुछ फंक्शंस होते हैं, तो इनमें एक फंक्शन है स्क्वेयर रूट, ये देखिए, ये इसका फंक्शन है स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट फंक्शन क्या करता है, डबल टाइप की वैल्यू लेता है और जो वैल्यू वो लेता है उसका स्क्वेयर रूट निकाल कर आपको रिटर्न कर देता है। इसलिए मैंने ऊपर सारे वेरिएबल्स डबल टाइप के लिए थे। तो मेरे पास नम 1 में वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स में, जिसका यूजर डबल स्क्वेयर रूट निकालना चाहता है, वो मैंने इस फंक्शन में पास करा और ये आपको उसका स्क्वेयर रूट निकाल कर दे देगा। और इसको हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, डबल एस क्यू आर में, एस क्यू आर नाम का वेरिएबल है। तो इसमें नंबर 1 में जो वैल्यू है उसका स्क्वेयर रूट निकल के आ जाएगा और इसको हम कहाँ करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में सेट कर देते हैं, डॉट सेट टेक्स्ट। अब सेट टेक्स्ट में क्या है, अगर आप एस क्यू आर डायरेक्ट लिखोगे तो आपको एरर शो करेगा, क्योंकि सेट टेक्स्ट फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, बट एस क्यू आर क्या है, डबल टाइप का। तो फिर वही हम कास्ट करेंगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एस क्यू आर। देखिए यहां पर क्या हुआ है, मैंने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू निकाली, नंबर में स्टोर करी, उसका स्क्वायर रूट निकाला, एस क्यू आर वेरिएबल में स्टोर कर दिया और एस क्यू आर को मैंने दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स में सेट कर दिया है। और क्योंकि एस क्यू आर डबल टाइप का है और सेट टेक्स्ट फंक्शन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है, तो मुझे यहाँ कास्टिंग करनी पड़ी, क्लियर। रन करते हैं फिर से। मैंने यहाँ कुछ एक वैल्यू ले ली, सपोज 8 ले लिया और इसका स्क्वायर रूट निकाला 2.82 समथिंग। हम यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं, ये देखिए, ये कैलकुलेटर है, 8 और ये स्क्वायर रूट 2.82, वही हमारी वैल्यू आ रही है, यानी कि ये टास्क भी कंप्लीट है। अब हम निकालते हैं पावर, पावर 2 फंक्शन बटन लेते हैं पावर के लिए। और अगर आप इसका जो टेक्स्ट है एक्स पावर 2 दिखाना चाहते हैं, मैंने एक्स पावर लिखने के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, ये इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं जाएगा, 2 थोड़ा सा ऊपर चाहिए मुझे। उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज में चलते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में छोटा सा बटन है, यहाँ चलते हैं। हम यहाँ HTML का यूज करने जा रहे हैं, HTML की हेल्प से हम पावर में दिखाएंगे। HTML का मैंने यहाँ पर ओपनिंग टैग ले लिया है और सबसे लास्ट में क्लोजिंग टैग लिया है। अब देखिए, अगर आप लाइन से थोड़ा सा ऊपर दिखाना चाहते हैं पावर में, तो उसके लिए SUP टैग होता है, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं उसको। अगर लाइन से थोड़ा सा नीचे दिखाना चाहते हैं, जैसे कि साइंस में H2O आपने देखा होगा, 2 थोड़ा सा नीचे होता है, वो सब स्क्रिप्ट होता है, उसके लिए SUB टैग यूज करते हैं। बट मुझे पावर में चाहिए ऊपर, तो मैंने एक्स को तो एज इट इज लिखा यहाँ पर और 2 को मैंने सब टैग, सॉरी SUP, सुपर स्क्रिप्ट टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर डाल दिया। यहां पर मैंने लिखा 2, 2 को अभी सुपर स्क्रिप्ट यानी कि ऊपर इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देगा। देखिए, जैसे मैंने ओके प्रेस करा, यहां पर देखिए ये ऊपर चला गया, क्लियर।
और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आ गया है, स्पेस को हम हटा देते हैं, मुझे यहाँ पर स्पेस नहीं चाहिए, बिना स्पेस के मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये देखिए x की पावर 2। इस तरीके से आप बटन का ये जो टेक्स्ट है सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसका फंक्शन बनाते हैं। पावर 2 निकालने के लिए सेम वही हम मैथ क्लास का यूज करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर स्क्वायर रूट में करा है, तो सेम वही हम नंबर 1 की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं। ये दी मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है, नंबर 1 जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है मेरे पास आ गई। और मैथ क्लास डॉट पावर फंक्शन हम यूज करेंगे। पावर फंक्शन आपसे दो तरीके की वैल्यू लेगा, किस नंबर की पावर निकालनी है और पावर कितनी। तो नंबर 1, ये जो नंबर 1 में वैल्यू है उसकी मुझे पावर निकालनी है, और पावर कितनी चाहिए, 2, पावर 2 चाहिए मुझे। तो सेम वही एक और रैंडम सा एक वेरिएबल ले लेते हैं पी नाम से, इसमें सेव करा दिया। पावर का जो भी आंसर होगा वो आपके पी वेरिएबल में आ जाएगा, और जैसे हमने यहाँ पर सेट करा है वैसे ही टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर भी सेट कर देंगे। टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू सेट टेक्स्ट, अगेन मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा पी वेरिएबल को भी, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन यूज करा पी। आई होप ये क्लियर होगा आपको, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में बोला है। सेम वही जैसे हमने स्क्वायर रूट निकाला है वैसे ही हमने पावर भी निकाला है। तो रन करके देखते हैं, 2 की पावर 2, 4। दोबारा देखते हैं कुछ और वैल्यू, क्लियर कर देते हैं यहाँ से। सपोज मैंने यहाँ निकाला 15, 15 की पावर 2, 225। तो एक और डेसिमल वैल्यू के लिए भी हम निकाल के देख लेते हैं, 5.2 पावर 2, ये इसका आंसर कुछ आया है। अपने कैलकुलेटर में चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर, 5.2 पावर 2, तो सेम वही आंसर आ रहा है। तो ये टास्क भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा बेसिक सा एक कैलकुलेटर है, एक मिनी प्रोजेक्ट है, आप इसको ट्राई करें। और इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके पास अपना कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नई वीडियो में मिलते हैं एक नई क्वेरी के साथ।